class 4. So today we'll start the problem sums in the exercise 11E, that is in on page number 167. So question number C1. In question number 1, it is given that there are some potatoes. The weight of the potatoes are 5 kg, 270 gram, and weight of onions is 2 kg, 450 gram. So the question is, how much is the total weight of the vegetable? So एक जगह में potatoes है, उनका weight दिया हुआ है 5 kg 270 gram, onions है 2 kg 450 gram. तो total weight vegetables का क्या हुआ? तो total weight पूछ रहा है, potatoes और onions का weight क्या करेंगे हम लोग? Plus कर देंगे. तो मैंने यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम दो कॉलम बना दिए हैं, तो इस तरह का एडिशन मैं पहले भी बता चुका हूं. तो ऐड कर लेंगे इनको, प्लस करना है. प्रॉब्लम सम के स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है, इन्हें हमें प्लस करना है. तो 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 5 12, 4 टू 6 1 7 720 एंड 5 प्लस 2 7. सो दिस बिकम्स 7 kg 720 ग्राम. So the same type of addition that was in question number A of this exercise. So you have to make two columns and add them. 0 plus 0, 0, 7 plus 5, 12. And out of 12, this right one will be retained and the left one, that is the digit one, will be carried here. And 2 plus 1, 3, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7. अब हम लोग आते हैं question number 3 में. Question number 3 में है कि एक family ने wheat खरीदा. वीट जानते हो आप लोग, गेहूं को कहते हैं. तो वीट का जो वेट है वो 18 kg 570 ग्राम है. और उस फैमिली ने राइस भी खरीदा है, वो कितना केजी राइस है? 15 kg 490 ग्राम है. तो टोटल वेट ऑफ सीरियल्स क्या है? टोटल कितना सीरियल्स, मतलब कितना अनाज कितना खरीदा गया है, टोटल अनाज कितना हुआ, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा. क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, इसको ऐड करेंगे. 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 7 16, out of 16 this right one will be retained and the left one, that is the digit 1, will be brought here. 5 plus 1 6 plus 4 10. यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 1000 से ज्यादा हो जा रहा है. यहाँ पर 1000 से कम था, 720 था. 1000 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ग्राम एंड 1000 ग्राम बिकम्स 1 किलोग्राम. सो दैट वन बी दैट वन विल बी रिटेन हियर. सो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14. And out of 14, we have written 4. This left side digit 1 will be brought here. And this becomes 1 plus 1 plus 1, 3. So total weight of cereals is 34 kg 60 gram. ठीक है? तो ये इस तरह से इसका addition हुआ. उसके बाद question number 5 में आ जाते हैं. ये दोनों तो addition ही था problem sum में. नंबर 5 में सब्ट्रैक्शन करना है. क्वेश्चन है कि एक कार्टून है, उस कार्टून में जो एप्पल्स है उनका टोटल वेट है 8 kg 250 ग्राम. और उस कार्टून से आपने क्या किया, कुछ एप्पल्स निकाल लिए, उनका वेट कितना है जो एप्पल्स आपने निकाले? 5 kg 825 ग्राम. तो अभी भी कितना एप्पल्स उसके अंदर बचे हुए हैं? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ऊपर में जो नंबर है वो 250 है और नीचे का जो नंबर है ग्राम के कॉलम का वो 825 है. दैट इज स्मॉलर नंबर एंड दिस वन इज द ग्रेटर नंबर. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकेगा, तो हमें यहाँ पर किलोग्राम से 1 किलोग्राम बोरो करना पड़ेगा. तो 8 किलोग्राम से 1 किलोग्राम जब वहां चला जाएगा तो यहाँ पे कितना किलोग्राम हो जाएगा, 7 किलोग्राम हो जाएगा. और 1 किलोग्राम मैंने कल भी बताया था, मैंने 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है. तो यहां से जब 1 किलोग्राम ग्राम के कॉलम में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा. और यहां पर ऊपर में पहले से कितना ग्राम है, 250. तो 1000 ग्राम में जब आप 250 को प्लस करोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1250 ग्राम हो जाएगा. तो यहाँ पे टोटल कितना ग्राम हो गया, 1250 ग्राम हो गया. अब हम ऊपर में बड़ा हो गया नीचे छोटा, अब माइनस करेंगे. 10 माइनस 5 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा. 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और यहाँ पर 12 माइनस 8 4 हो जाएगा. और यहाँ पे 7 हो गया था, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 2 किलोग्राम 425 ग्राम. तो यहाँ पर देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा, वेट ऑफ एप्पल्स लेफ्ट इन द कार्टून. तो अभी भी कितना एप्पल्स कार्टून में बचे हुए हैं, तो माइनस करने से वो आ जाएगा. माइनस कैसे करना है, यहां से किलोग्राम से
वन किलोग्राम वहां चला गया, यहाँ पे 8 से 7 हो गया, 1 किलोग्राम जब ग्राम के कॉलम में जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम गया वहां पे पहले से 250 था, 1000 में 250 को मैंने क्या किया प्लस कर लिया, तो टोटल ग्राम कितना हो गया ऊपर में 1250 हो गया, माइनस कर लिया आंसर आ गया। तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम सब में जो भी सम्स बचे हैं दो तीन है, सब में वही प्लस और माइनस करना है आपको, आप उन्हें कंप्लीट करिएगा, दैट इज योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।